अभी भी अपना शहर छोड़ के दूसरा शहर जाओ कभी भी। तो कल के ब्लॉग में मैंने पहला हिंट दिया था कि मैं भिलवाड़ा से कहीं बाहर जा रहा हूँ, आज दूसरा हिंट देता हूँ कि मैं राजस्थान से भी बाहर जा रहा हूँ, और आपको गैस करके बताना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और अगर आपका गैस सही हुआ तो मैं आपको दूंगा बहुत ही अच्छा वाला शॉर्ट आउट, उसका नाम बताऊंगा कि जिसने प्रॉपर सही गैस किया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी चल रहा है अप्रैल और मेरे 90 डेज ब्लॉग चैलेंज का डे 72 है आज। आज सबसे पहला काम करते हैं थोड़ा सा अपना हजामत बनाते हैं, क्योंकि दाढ़ी बढ़ गई, अपन थोड़ा बाबा जी टाइप लगने लगेंगे अगर कुछ दिन और ट्रिमिंग नहीं की। तो हजामत बना ली है जोरदार, और मैं ख्याल से ठीक ठाक ही दिख रहा हूँ, और नाखून काटने थे तो हो गया, और थोड़ा लेट हो रहा हूँ, चलते जल्दी नहाते धोते हैं। तो मारते हैं मुँह पे तौलिया, मैंने 2 मिनट में नहा धो लिया, पूजा कर लेते हैं फिर पेट पूजा करेंगे। तो किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया आज? तो आज बनी है लंच में मूंग की दाल और पत्ता गोभी की सब्जी। तो खाना खाएंगे और जल्दी जल्दी ऑफिस जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया आज। तो भाई साहब खाना पीना तो हो गया, अब जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं, रोज लेट हो गया बोलता हूँ, सच्ची में कुछ ज्यादा लेट हो गया हूँ, जल्दी से भागते ऑफिस, अपन रेडी हो चुके हैं, अब मिलते हैं सीधा शाम को 5 या 5:30 बजे के बाद। तो करते करते लोगों का काम तमाम हो चुकी है शाम, लगभग 6:30 बजने वाले, काफ़ी लेट हो गया आज, थोड़ा ज़्यादा काम था। तो जोरों की भूख लगी है, चलते हैं कपड़ा चेंज करते हैं और लंच करेंगे। तो मार के मुँह पे तो लिया, मैंने चेंज कर लिया अपना हुलिया, लगी है जोरों की भूख, चलते हैं देखते हैं क्या बना है खाने में। तो मेरा लंच रेडी है, द सेम डिश आई एट इन द मॉर्निंग, पत्ता गोभी दाल दे रोटियां बिना लिए कहीं से भी बोटियां। तो हमें अभी जाना है एक बहुत ही जरूरी काम से बाहर, तो उसके लिए करने पड़ेंगे कपड़े चेंज। हेलो जी, 1 सेकंड में चेंज हो गया साड़ा हुलिया, चलते हैं बाहर और ढूंढते हैं तौलिया, कोई तौलिया लौटने नहीं जा रहे, बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। क्या आपने कभी गाड़ी का वस्त्र हरण देखा है? ये दिखाता हूँ। हेलो जी, 2 मिनट में हो गया वस्त्र हरण। तो जिस जरूरी काम से मैं और गूगल दीदी आज तक बाहर जाते थे, उसी जरूरी काम से आज हम सब लोग जा रहे हैं, लेकिन उस काम के बारे में हम आपको 1.5 साल या 1.5 साल बाद बताएंगे, तब तक बने रहे हमारे ब्लॉग में अगर आपको जानना है कि हम कहाँ जाते हैं आजकल। तो जो ज़रूरी काम करना था वो हम कर चुके हैं और घर आ चुके हैं, हमारे आए थे गेस्ट, तो आके अपन ब्लॉग नहीं बनाए, थोड़ा गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। क्या ना साई, घर आते साथ ब्लॉग बना और गेस्ट बैठा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो आज रोजी आंटी बना रही है बहुत ही स्पेशल डिनर। तो ये जो डिश बन रही है ये यहाँ पे स्पेशल नहीं है, लेकिन बाकी हर जगह स्पेशल है, खास करके छत्तीसगढ़ में, और कई जगह तो लोग को पता ही नहीं होता कि ये सब्जी भी होती है। और जो सब्जी अभी बन रही है वो मेरे को बहुत पसंद है। अपने कॉलेज के टाइम पे फर्स्ट ईयर में मैं अपने सारे दोस्तों के साथ रात को 12-15 किलोमीटर दूर ढाबे पर जाता था सेम सब्जी खाने के लिए। तो कौन सी सब्जी बन रही है वो जानने के लिए ब्लॉग में बने रहे, यहाँ तक देख लिया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट में गेस करने की कोशिश करें, और अगर बाद में अगर सब्जी देख ले तो बताएं कि आपने कभी खाया कि नहीं खाया, और वो सब्जी हम आपको थोड़ी देर में भी दिखाएंगे। तो मैं और गूगल दीदी गुपचुप खाने जा रहे हैं, पहले प्रोग्राम तो सबको ही जाएंगे लेकिन अभी बस मैं और गूगल दीदी जाएंगे। पंचों की मीटिंग ओवर हो चुकी है, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, और जैसा कि बताया कुछ स्पेशल बनने की तैयारी हो रही है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। हाँ, मतलब ये एक राजस्थानी डिश है जो यहाँ कॉमन है, लेकिन हमारे यहाँ कॉमन नहीं है, और हाँ महाराष्ट्र में भी बनती है, बाकी और जगह मैंने कहीं बनते हुए नहीं देखा। छत्तीसगढ़ में मकान सपनों के, तू यहीं आ गई, तू डरा दी पगड़ी, हम तेरा ब्लॉग लेने आ रहे थे, पढ़ाई कर रही तू, उड़ के आती बच्ची, तू बिचना पड़ती हो फिर भी तेरा नंबर कमाती है क्यों? पढ़ पढ़, अगला पेपर कब है? पक्का? परसों संडे बाची, मजाक कर रहा। तो गोलगप्पा खाने का मन रोजी आंटी का भी है, गोलगप्पे का विटामिन घुटने ठीक करेगा, लेके आएंगे चलो। के पानी से घुटना ठीक हो जाएगा। तो आज की ताजा खबर, अगर आपका घुटना खराब है तो रोजी आंटी की बात सुने। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से बोले दिया करो यार, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से पढ़ के आई आंटी, और इन्होंने नई स्टडी रिसर्च की है जिसमें ये पता चला है कि जिन भी औरतों को घुटने का दर्द है वो ये करे। बताओ आंटी क्या करे? गोलगप्पे वाले के हाथ का पानी पियो, बार बार डुबा। लोग घाट घाट का पानी पीते हैं, आप गोलगप्पे वाले के हाथ का पानी पिए। बाकी जैसी भगवान की इच्छा, तू जा पढ़ाई कर। तो भैया इतना नमकीन लेके बैठते, काक पैक भी लगा लेते तो मजा आता। ऐसा काम नहीं करने का, सही बात है। तो अपनी क्रेविंग मिटाने हम लोग आ गए हैं प्रिया चैट सेंटर। अंकल का गुपचुप हम लोग को बहुत पसंद है क्योंकि अंकल के गुपचुप का पानी बहुत बेहतरीन होता है। तो बहुत दिन से इच्छा थी फिर से गुपचुप खाने की, आज मिटाएंगे। मुझे अब जैसे अभी भी क्रेविंग होती है ना, तो अब मैं थोड़ा सा बाहर का खाना कम करना चाहती हूँ, तो मैं अपने ही व्लॉग्स और अपने शॉर्ट्स को देखती हूँ कि मैंने लास्ट टाइम कब खाया था। तो मैंने आज देखा, आज सच में मैंने देखा शाम में 10 डेज अगो वो वाला व्लॉग आया था जिसमें हमने नवरात्रि के बाद फास्ट फूड खाया था। मैं कहा चलो 10 दिन हो गए अब खा सकते हैं, 10 दिन में एक बार चलता है। बाकी तो आग से पानी निकलने तक गुपचुप खाया, गुपचुप खा के मजा आ गया मजा। अगर आप भिलवाड़ा में रहते हो तो एक बार अंकल का गुपचुप ट्राई जरूर करो। प्रिया चाट सेंटर, ये है शास्त्री नगर में।
तो हमने तो खा लिया और घर में सबके लिए पैक भी करवा लिया। तो गुपचुप खा के और नमकीन लेके हम आ गए घर वापस। नमकीन वही वाली है जिसका सब्जी बनेगा और गुपचुप हमने पहले खाया फिर घर वालों के लिए पैक कराया। चकना आ गया, चकना आ गया, मेन आइटम किधर है? चकना आ गया। हमारे यहाँ चकने की सब्जी बन रही है जिसको हम रोटियों के साथ खाएंगे। तो अभी ब्लॉग बनाते बनाते एक बहुत ही जरूरी काम याद आया, ब्लॉग एडिट भी करना है। कल जो आएगा वो कहाँ से आएगा, एडिट करने के बाद ही तो आएगा। तो मैं अभी कर रहा था मिनी ब्लॉग पे वॉइस ओवर और आज का वॉइस ओवर कुछ खास नहीं हुआ मेरे को लग रहा है, जस्ट ओके ओके हुआ है। एंड थोड़ा थक गया हूँ, थकान है, मूड सही नहीं है एंड कुछ दिन बाद कहीं जाना भी है आपको बताया, तो उसका भी कुछ सोच रहा हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा ध्यान उतना अच्छे से नहीं किया, लेकिन ओके ओके एडिट किया हूँ, कोशिश किया हूँ जितना अच्छा कर सकूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग तो मेरे को आज का मिनी ब्लॉग नहीं लगा, तो नो इशू। लेकिन अपन आगे फुल ट्राई करेंगे कि अपन जितना ज़्यादा अच्छा हो सके उतना अच्छा वॉइस ओवर करें और उतना ही अच्छा इंटरटेनिंग मिनी ब्लॉग को बनाएं। तो अपना मस्त मस्त सेव भाजी बन के रेडी है डिनर में। रोजी आंटी ने रोटियाँ बना दी हैं, सेव भाजी बहुत अच्छी विथ राइस खाएंगे और मज़े से सो जाएंगे। और मैं जिस जगह जाने वाला हूँ वहाँ से वापस आने के बाद हम सब लोग एक जगह जाएंगे। होप सो ऐसा ही हो जाए क्योंकि तीन बार से हमारा प्लान बन रहा है और प्लान प्लेन में उड़ जा रहा है। तो क्या मैं जहाँ जाने वाला हूँ वहाँ जा पाऊंगा? क्या हमारा जो प्लान बन रहा है वो सक्सेसफुल होगा? जानने के लिए देखते रहे हमारा व्लॉग्स। और यहाँ तक देख लिया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में गैस करें कि दूसरी लोकेशन कौन सी हो सकती है। और पहली भी गैस करके बताएं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और फिर हम सब कहाँ जा रहे हैं। अब आपको दो जगह गैस करनी है, तो किसी भी सिटी का नाम बताएं, सही हुई तो हम आपको बताएंगे कि हाँ सही है। जीतने वाले को गूगल दीदी 150 रुपए देगी और बाची अपने गोरे होने का सीक्रेट बताएगी। तो डिनर हो गया, सेव भाजी बहुत अच्छी बनी थी, मजा आ गया खा के। मैंने रोटी से कम खाया और राइस से ज्यादा खाया। सो दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ टुडेज व्लॉग। मिनी व्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं कल शाम को। गुड नाइट, स्लीप टाइट। 90 डेज व्लॉग चैलेंज का डे 72 कंप्लीट। सायोनारा, कल आना दोबारा।